नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के रैपिड फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। गुजरात गए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और तत्काल राहत कार्य के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। महाराष्ट्र को भूले नरेंद्र मोदी, 1000 करोड़ का कोकण में नुकसान। पीएम के तूफान प्रभावित महाराष्ट्र का दौरा न करने से राज्य में सत्तारूढ़ दल, शिवसेना और राका के नेताओं में भारी नाराजगी है। चक्रवाती तूफान की वजह से कोकण के रायगढ़ जिले में लगभग 8 से 10 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। कोरोना संकट के समय विपक्ष के हमलों और जनता के नाराजगी से ब्रांड मोदी की कमी होती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना पर विचार कर रहा है। कोविड मरीजों को 90 दिन बाद वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर होने के 3 महीने के बाद वैक्सीन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर फैसला लिया। प्रमोशन में आरक्षण पर अजीत और नितिन भिड़े। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत आपस में भिड़ गए। ईडी ने लिया वकील जयश्री का बयान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती है। बुधवार को ईडी ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले में सीबीआई में एफआईआर दर्ज करवाने वाली वकील जयश्री पाटिल का बयान रिकॉर्ड किया। डीएपी पर 140% सब्सिडी। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक और किसान हितैषी फैसला लेते हुए बुधवार को डाई अमोनिया फॉस्फेट के खाद के लिए सब्सिडी रुपए 500 से बढ़ाकर 1200 प्रति बैग करने का फैसला लिया। 70% सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी। पिछले 2 महीने से लंबित सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलने से नाराज जल संवर्धन मंत्री जयंत पाटिल ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में जमकर दबाव बनाया। सूत्रों के मुताबिक पाटिल खास तौर पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से नाराज थे। इस संदर्भ में हुई बैठक में 70 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सिंगापुर में स्कूल बंद। सिंगापुर में पेरेंट्स में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को महामारी फैलने की दहशत साफ नजर आई है। बच्चों में यह विभीषिका घातक न हो इसके लिए अभी से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूल को बंद कर दिया गया है। जलयुक्त शिवार घोटाला अफसर पर एफआईआर। महाराष्ट्र में खलबली मचा देने वाले परली के जलयुक्त शिवार योजना में भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर कृषि सह संचालक रमेश भताने सहित 6 लोगों पर परली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ यही रुकते हैं। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।